सो हे गाइस सर, कैसे हो आप सी लो। सो गाइस सर, फाइनली मैच के फिर से एक और न्यू वीडियो के साथ एंड गाइस इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले फाइनली हमारे फ्री फायर बैन के रिगार्डिंग। लाइक कर देखा जाए तो आप सभी ने आज के दिन तो ये न्यूज तो बहुत ज्यादा ही सुना होगा। फाइनली हमारा जो फ्री फायर गेम यहाँ पर बैन होने वाला है एंड जो हमारी क्राफ्टन कंपनी है गाइस, कुछ दिनों पहले उन्होंने केस किया था गाइस हमारा जो फ्री फायर गेम है पबजी का कॉपी है। गाइस यार फाइनली हमारा फ्री फायर गेम यहाँ पर बैन होने वाला है। क्या हमारा फ्री फायर गेम यहाँ पर फाइनली क्राफ्टन कंपनी से केस हार चुके? लाइक कर देखा जाए तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे एंड साथ में देखो जाए तो मैं आप सभी के लिए यहाँ पर दो न्यूज लेके आऊँ मेरे भाई, और देखा जाए तो एक बैड न्यूज होने वाला है, एक तो गाइस आप सभी के लिए गुड न्यूज होने वाला है। तो गाइस देखा जाए तो आपसे इन दोनों न्यूजों को सुनने के बाद आपसे अपना खुद रिसर्च करना है गाइस यार क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। बट हाँ यार देखो गाइस, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि गाइस आप सभी को कुछ डाउट्स है जो कि गाइस क्लियर हो जाए। आपसे बहुत ज्यादा ही परेशान हो चुके हैं। लाइक कर देखा जाए तो मुझे पता आपसे बस ज्यादा कुछ परेशान नहीं हो गाइस। आपसे इस फ्री फायर गेम के अंदर बहुत ज्यादा ही पैसा लगा है एंड इसकी वजह से आपसे परेशान हो गाइस, हमारा फ्री फायर गेम यहाँ पर चला जाएगा एंड उसके बाद हमारे इतने सारे लगी मेहनत एंड आप सभी ने कितना मतलब इसके अंदर टाइम स्पेंड किया गाइस, सब कुछ बर्बाद गाइस, आपको तो पता ही है। बट हाँ यार देखा जी यार आज को हम यही कर लेते हैं, बात करते हैं सबसे फर्स्ट पुल हमारा फ्री फायर गेम यहाँ पर फाइनली केस हार चुका है कि नहीं हार चुका है। तो यार देखो गाइस यार फाइनली फ्री फायर एंड क्राफ्टन कंपनी ने जो की गाइस आपस में मतलब ऐसे केस हुआ था, क्राफ्टन कंपनी ने बोला था फाइनली जो हमारा फ्री फायर गेम यहाँ पर पबजी का कॉपी है। सिंपल से बोला जाए तो यार कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जो की गाइस फ्री फायर गेम के अंदर हमारे पबजी के यहाँ पर उठाए गए एंड ये थोड़ी बहुत यार सच बात है, सच में यार थोड़े बहुत कॉपी आइटम है जो की गाइस हमारे फ्री फायर गेम के अंदर पबजी के एंड यार देखा जाए तो इसकी वजह से 180 पेज का जो कि गाइस ऐसा कुछ यहाँ पर केस दर्ज हुआ था एंड पबजी ने साफ साफ बोला था अगर आप यहाँ पर केस हारते हो तो आपको $40,000 देने पड़ेंगे। मतलब यार देखा जाए तो $40,000 मतलब यार बहुत ज्यादा होता है एंड फ्री फायर के लिए बड़ी बात तो नहीं है गाइस। यार देखा जाए $40,000 देने थे, ऐसा कुछ आपका अमाउंट था जो कि गाइस फ्री फायर को देने थे चूंकि गाइस ये केस हारने के बाद पबजी के बाद यहाँ पर। बट हार देखा जाए तो अभी तक फ्री फायर केस यहाँ पर हारा या नहीं हारा गाइस ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं लिखा का है। बट हाँ यार देखा जाए तो फ्री फायर यहाँ पे अगर केस हारता तो पबजी का डिमांड था दो चीज, तो लाइक कर देखा जाए। सबसे फर्स्ट यहाँ पर फ्री फायर गेम को यहाँ पर प्ले स्टोर एंड साथ में गाइस हमारे एप्पल के ऐप स्टोर से रिमूव कर दिया जाए। यहाँ पर देखा जाए तो यूट्यूब पे गाइस एक भी वीडियो नहीं दिखनी चाहिए गाइस फ्री फायर के गेम के रिलेटेड एंड यहाँ पर मतलब एक भी चैनल नहीं दिखना चाहिए। तो मतलब यार देखा जाए तो सबसे बड़ा मेरे को गुस्सा इस बात पर आया गाइस यार देखा जाए तो यार वो चीजें फ्री फायर मतलब प्ले स्टोर से आ रहा है ऐप स्टोर से हटा रहा है इससे कोई मतलब नहीं। बट हाँ यार वो कौन होता गाइस हमारे गेम को मतलब यार यूट्यूब पे वीडियो डालने से रोकने के लिए गाइस, ऐसा कैसे कर सकता है? सबसे बड़ी बात ये गाइस, मेरे को ये बात पे बहुत ज्यादा गुस्सा आया एंड यहाँ पर देखा जाए तो केस अगर यहाँ पर फ्री फायर हारता है यहाँ पर 40,000 करोड़ ऐसे कुछ उसको देने हैं जो कि गाइस फ्री फायर को पबजी वालों को। तो यार देखो गाइस ये बात तो छोड़ो गाइस, फाइनली ये आपस में भिड़ते रहेंगे गाइस, मेरे को नहीं पता गाइस फाइनली कोई केस जीता कि नहीं जीता एंड ये सच में जो नियम मैंने अभी आपको बताया गाइस सच बात है नहीं बात है गाइस ये भी नहीं मुझे पता। बट हाँ यार देखा जाए तो मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने जो कि गाइस कस्टमर केयर में यहाँ पर फोन करा, जैसे कि आपको पता है जैसे हमारा जियो सिम हो गया हमारे एयरटेल सिम हो गए। तो यार देखो गाइस एयरटेल वालों की मैं बात बताऊं तो यार एयरटेल वालों ने साफ साफ बोल दिया कि फ्री फायर जो है तो उसकी जो सर्विसिंग यहाँ पर देखा जाए तो इनका हमारी तरफ से बंद हो गई है। मतलब ये गाइस फ्री फायर मतलब ना ही आपको एयरटेल से चलेगा ना ही आपसे भी एयरटेल से फ्री फायर डाउनलोड कर सकते हो। सबसे बड़ी बात मैंने वहीं पर जियो वालों से कॉल करके बोला तो यार जियो वाले बोल रहे ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल से मतलब उन्होंने मुंह पर बोल दिया जो पबजी है एंड और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि गाइस फाइनली उन सभी का मतलब सर्विसिंग बंद है वो ओनली फ्री फायर को छोड़ के। तो मतलब यार जियो में गाइस हमारा फ्री फायर चल रहा है एंड यहाँ पर देखा जाए एयरटेल में नहीं चल रहा था। यार देखो गाइस आपको पता है एक बहुत बड़ी साजिश है, आपसे को पता है जब कोई भी कंपनी ज्यादा ही बढ़ी जाती है तो गाइस आपको पता है उसके पीछे भी चार बंदे लगे रहते हैं। तो गाइस सेम टू सेम देखा जाए तो यार सबसे पहले गाइस यहाँ पर देखा जाए तो एयरटेल को अपने हाथ में लिया गया एंड एयरटेल जान तो गाइस हमारे इंडिया का सबसे ज्यादा मतलब यूजिंग होने वाला नेटवर्क है एंड यहाँ पर देखा जाए तो इस वजह से गाइस यार फ्री फायर को मतलब यार रोकने का सबसे अच्छा तरीका तो ये गाइस यार नेटवर्क जाम करना। हाँ यार उसके बाद हमारा फ्री फायर गेम यहाँ पर चलेगा नहीं तो धीरे धीरे बंदे क्या करेंगे यहाँ पर खेलना ही छोड़ देंगे, ऐसा कुछ हो जाएगा सीन, आपसे भी समझ रहे हो ना। बट हाँ यार देखा जाए तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, आपसे को पता है बंदे यार बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। बट यहाँ देखो गाइस एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर आपसे भी का एयरटेल सिम है अगर आपसे भी चाहते हो फाइनली आपसे भी वीपीएन वगैरह यूज करते हो अपने गेम को चलाने के लिए तो मेरी बात माना गाइस आपसे ऐसा मत करना, भले आपसे अपने घर के अंदर गाइस कोई अदर सिम हो तो गाइस उसका यूज कर लेना बट यार वीपीएन बिल्कुल भी यूज मत करना। फाइनली बाद में गाइस अगर आपका कभी भी आईडी बैन हो जाए तो गाइस वापस नहीं आने वाला। आपको पता है सिंपल फ्री फायर हमेशा बोल रखा है अगर आपसे भी थर्ड पार्टी वेबसाइट का यूज करते हो गाइस हमारे गेम के अंदर तो गाइस आपका जो आईडी है फाइनली बैन हो सकता है। तो गाइस आपसे मेरी बात माना, आपसे भी ऐसे ऐसे वीपीएन होते गाइस अगर आपसे यूज करोगे तो फाइनली आपका जो होता है लोकेशन गाइस हर बार मतलब चेंज होता रहता है एंड उसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशानी होती है हर एक सर्वर को। तो गाइस यार देखा जाए तो आपसे भी मेरी बात माना तो वीपीएन यूज करके गाइस अपने फ्री फायर गेम को मत खेलना, भले गाइस आपसे कोई और सिम का यूज कर सकते हो। लाइक यार देखा जाए तो जियो सिम यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे बेस्ट चल रही है गाइस हमारे फ्री फायर गेम को यहाँ पे यूज करने की रिगार्डिंग। मतलब यार देखा जाए तो अच्छी बात है गाइस फ्री फायर हमारे ओनली जियो में चल रहा है एंड हर एक सिम के अंदर चल रहा है
गाइस ओनली एयरटेल को छोड़ के। यहाँ पर देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी मतलब वाईफाई भी हैं जो कि गाइस हमारे एयरटेल कंपनी से लिंक है, एंड उसी वजह से गाइस हमारे वाईफाई से भी जो कि गाइस हमारा फ्री फायर गेम यहाँ पर नहीं चल रहा। बट हाँ यार, बात करें क्या फाइनली सच में हमारा फ्री फायर गेम यहाँ पर बैन होने वाला था। यार देखो गाइस, मैं आपको बता दूँ, अगर फ्री फायर बैन होने वाला होता तो गाइस अभी देखो यूट्यूब पर फ्री फायर खुद ब खुद वीडियो नहीं डालता। गाइस आपको पता है कल ही दिन मतलब कल के दिन जब ऐसी न्यूज आई तो शाम के 6 बजे गाइस हमारे म्यूजिक वीडियो आ गया, जो कि गाइस बोला जाए तो अच्छी बात है। एंड यहाँ पर देखा जाए तो फाइनली अगर यहाँ पर फाइनली फ्री फायर गेम यहाँ पर सच में केस हार जाता है तो यार तो गाइस 40,000 करोड़ देना कोई बड़ी बात नहीं है फ्री फायर को। यार देखा जाए तो उसने इतना कमाया हमसे भी से, एंड आपको पता है इंडिया में सबसे ज्यादा इंडिया में प्लेयर है जो कि गाइस 50% ऑडियंस जो कि गाइस फ्री फायर की हमारी इंडिया में। एंड यार देखो गाइस, यार देखो बिजनेस होता है गाइस, बिजनेस माइंड गेम हो, एंड आपको पता है यहाँ पर वही जीतता है जिसके पास पैसा हो एंड माइंड हो। तो गाइस देखते गाइस यार कौन जीतता है। एंड यहाँ पर देखा जाए तो फाइनली यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो कि गाइस हमारे अभी मतलब यार लग रहा है कि फाइनली सच में बैन तो नहीं होगा। एंड यहाँ पर देखा जाए अगर फाइनली फ्री फायर बैन होता एंड यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा होता तो गाइस आपको पता है पहले तो एक नोटिस आता, एंड आपको पता नोटिस लीगल नोटिस होता है, एंड उसके बाद हमारा जो कोई भी ऐप वगैरह होता है तब जाके बैन होता है। बट हाँ यार, ऐसा कोई भी सीन नहीं आई आपसे अभी तक, आपने कहीं भी न्यूज़ वगैरह हैंडल पर कहीं नहीं सुना होगा फाइनली जो हमारा फ्री फायर गेम यहाँ पर बैन होने वाला, ऐसा कुछ भी सीन नहीं है आपसे को पता है। एंड यहाँ पर देखा जाए तो फाइनली हमारा फ्री फायर गेम बैन होना होता ना गाइस, सबसे पहले तो गाइस यार फ्री फायर खुद न्यूज़ देता, एंड सेकेंड बात गाइस हमारे न्यूज़ वगैरह चैनल पर आपको पता चल जाता है। यहाँ पर देखा जाए तो आपको पता है कुछ दिनों पहले गवर्नमेंट ने खुद बोला था गाइस हमारे जो ऑनलाइन गेम्स है उसके अंदर भी आपसे भी ई स्पोर्ट्स वगैरह खेल सकते हो, एंड इन सभी को बढ़ावा देना चाहिए, जो कि गाइस यार खुद गवर्नमेंट ने बोला था यहाँ पर कुछ दिनों पहले आपको पता है। यहाँ पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा ऑडियंस में आपको बताऊं ना, फ्री फायर में सबसे ज्यादा ऑडियंस है गाइस आपको पता है कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म का यहाँ पर लाइव चलता है तो आपको पता है यहाँ पर कितने बंदे देखते हैं, 100 बंदे, 200 बंदे, 300 बंदे ऐसे देखते हैं। बट हाँ, आपको पता है आज तक का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड रहा है फ्री फायर का, यहाँ पर 2-3 मिलियन का गाइस यार 2.5 मिलियन बंदे वहां पर लाइव वॉचिंग में वॉच कर रहे थे गाइस। यहाँ तक देखा जाए वर्ल्ड का रिकॉर्ड है गाइस यार, फाइनली ऐसा कोई भी मतलब गेम नहीं की गाइस यार फाइनली यहाँ पर रिकॉर्ड है कि गाइस यार 2 या 3 मिलियन बंदे गाइस यार एक साथ देख रहे हो। तो यार देखा जाए तो फ्री फायर जानते हो गाइस यार कितनी बड़ी यहाँ पर देखा जाए, तो इस टाइम आपको क्या करना है, सिंपल सा आपसे भी को एक साथ रहना है। एंड सबसे बड़ी बात गाइस यार देखा जाए तो आपसे भी यार इतना ज्यादा मतलब डर रहे हो तो गाइस हमारा क्या होगा, सबसे बड़ी बात तो ये है। एंड यहाँ पर देखा जाए तो मैं आपको क्या ही बताऊँ यार, देखा जाए तो जितनी भी मेरे को चीजें पता थी मैंने आपसे के साथ यहाँ पर शेयर कर दी। बट हाँ यार, बात करेगा सर फाइनली सच में क्या हमारा फ्री फायर गेम बैन होने वाला था, यार देखो ऐसा कोई भी न्यूज नहीं लिख करके आया। फाइनली यार देखा जाए तो बहुत सारे यूट्यूबर गाइस आपको फालतू को न्यूज सुना रहे गाइस यार सच में होने वाला है, ये होने वाला है, होने वाला है, तो उनकी बात मत सुनो यार। देखो मेरे आपसे भी के साथ बस वही बातें शेयर करिए गाइस, मुझे पता चले। बट हाँ यार देखो, मेरी बातें भी मेरे से कुछ बातें गलत होंगी, बट हाँ यार देखा जाए तो आपसे भी एडजस्ट कर लेना है। तो लाइक है देखा जाए तो आज कोडे के लिए बस इतना, एंड फ्री मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों। अगर आपको जानना है गाइस यार तो सॉरी यार, तो खुरा कितना ज्यादा गलत मतलब अलग अलग वॉइस लिख रहे हैं। तो यार देखो गाइस, अगर कुछ और भी अपडेट मिलते हैं तो फाइनली मैं आपसे के साथ यहाँ पे बहुत जल्दी शेयर करूंगा। बट हाँ यार देखा जाए तो आज कोडे के बस इतना, एंड फ्री मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक करके जुड़ जाना।